चार दिन ब्रह्मा जी के मुख से मुखाग्नि से अवतरित हुए, उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, दक्षिण मुख से सामवेद की उत्पत्ति हुई, पश्चिम मुख से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई और उत्तर मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। इन चार वेदों से छह शास्त्र हुए। अब ये छह शास्त्र मानने वाले भी आपस में इनकी खेचा खेच थी। सबने अपना ज्ञान बताया, किसने सालोक मुक्ति को बताया, किसने सायुज मुक्ति को, किसने सामित्य मुक्ति को, और इस तरह से किसी ने सालोक को, सायुज, सामित्य और सारूप्य, चार प्रकार की मुक्तियों को बताया। किसी ने अलग अलग वेदों को बताया कि हम इस वेद का पाठ करते हैं। सृजी साहब जी ने कहा कि आपने तो इसी ब्रह्मांड की बात की, ब्रह्मांड के परे की कोई बात ही नहीं की। कोई कहता है कि ब्रह्म घटघट व्यापी है, तो जब ब्रह्म घटघट व्यापी है तो इस संसार में अज्ञानता तो रहने ही चाहिए, तो सभी ज्ञानी होंगे। फिर छह शास्त्रों की रचना क्यों हुई? जब सभी ज्ञानी हैं, सब जगह ब्रह्म समाहित है, तो ये शास्त्रों नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से वाद विवाद वहां होता है। फिर सभी सेठी साहब जी से कहते हैं, आप वो अभी नए मालूम पड़ते हैं, आपका ज्ञान नया है, आप अपने ज्ञान को सविस्तार बताएं और साक्षी दे के बताएं। जिस तरह हमने साक्षी से बताया, इसी तरह आप भी साक्षी दे के अपने ज्ञान को बताइए। कही व्यास हरवंश में, अब यहाँ हरवंश पुराण में, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है हरवंश पुराण में, व्यास जी ने राजा जन्मेजय के प्रति जो वचन कहे थे, देखो संत विचार। हे संतो महंतो, आप लोग विचार पूर्वक हरवंश पुराण को देखिए, उनके वचनों को सुनिए। जन्मेजय राजा प्रति, जन्मेजय राजा के प्रति उन्होंने वचन कहे थे, सुनो विरोध तजसार। और आप सभी लोग विरोध त्याग करके, मन में रोष त्याग करके इन वचनों को श्रवण करके गया। कही अनहोनी व्यास नृप से, व्यास जी ने नृप से राजा जन्मेजय से जो अनहोनी की कही थी कि जो आज तक संसार में नहीं हुआ है वो भविष्य में होने वाला है। सुन पूछत सोई, तब इन्होंने पूछा कि वो कौन सी अनहोनी है, कौन सी बात होनी है वो आप बताइए। ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है, इस संसार में 28वें कलयुग में ब्रह्म रूप मुनि प्रकट होंगे। दुर्घट सब थे जो आज तक संसार में नहीं आए, ऐसे ब्रह्म रूप मुनि आएंगे। नृप तप पूछी व्यास सो, नृप तप पूछी व्यास सो, राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, संकादिक थे सोए, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हो गए संकादिक, और भी हो गए, क्या वो ब्रह्म रूप मुनि नहीं है? कमलार सी बहु प्रगटे, आप आज तक आप तक इतने ऋषि प्रकट हुए, क्या वो ब्रह्म रूप मुनि नहीं है? क्या ब्रह्म रूप तुम ना हो, क्या ब्रह्म रूप तुम ना हो, क्या ब्रह्म रूप ऋषि तुम लोग नहीं हो? तब व्यास नृप सौ कही, तब व्यास नृप सौ कही, तब व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा, भाई नहीं कोई काल, उन्होंने कहा कि वे आज तक संसार में अभी अवतरित नहीं हुए हैं, हूँ है प्रकट कलयुग में, 28वें कलयुग में उनका प्रकटन होगा। प्रकट आए की हाल, प्रकट आए की हाल, और आपकी वो 28वें कलयुग में उनका प्रकटन होगा। उत्तम पुरुष बने और को, प्यारे सुंदर साथी, हमारी बहनें जो आ रही हैं वो शांति का सहयोग दें। आप लोग शांति से आके विराजमान होते जाएं, जिसमें आनंद आएगा। तो ये व्यास जी से जन्मेजय राजा पूछते हैं कि आज तक वो नहीं आए जिन ऋषि को आना है। देवी देव ना जाए, और वो ऐसे होंगे जो अन्य देवी देवता की आराधना नहीं करेंगे। अकथ कथा नौतन कही, और वो जो कथा
करेंगे वो नवीन होगा ना कल होगा। जग सुन पूजिताई। और उन ऋषि मुनियों को जो ब्रह्म रूप मुनि आएंगे, ब्रह्म मुनि आएंगे, वो ऐसी कथा कहेंगे जो आज तक किसी ने नहीं कही, नवीन कथा कहेंगे, संसार उनको पूजेगा। ए व्यास इंद्र सौ कही। ये व्यास जी ने राजा जनमेजय से वचन कहे। बहुत विविध विस्तार। बहुत विविध विस्तार होगा उनका यहाँ संसार में आने से। किनकी साख जो देख हो। उनकी साक्षी हम दे रहे हैं जो श्रीमद् भागवत पुराण की 11वें स्कंद में है। देखो संत विचार। हे संतो आप इन वचनों को विचार करके देखिएगा। या भात वेद उपनिषद में अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरूपिणा उत्पन्ना ये कृत युगे प्रधान पुरुषयाश्या कथा योगेन तान सर्विस सर्वान पूज्य सन्ति मानवः यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्धरः। अभाविनो यानी जो आज तक नहीं हुए हैं ऐसे ब्रह्म मुनि रूप प्रकट होंगे और उनके जो होंगे ये उनकी कथा के प्रभाव से समस्त सृष्टि उनको पूजेगी और उनके प्रभाव से जो जैसे पहले वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसी तरह ब्रज राज जागने और परम धाम की लीला का वो गुणगान इस संसार में गाएंगे। या भांत वेद उपनिषद में इस प्रकार वेदों और उपनिषद में सब इनकी साक्षी दी गई है। विद विद कही बनाए तरह तरह से अपने भाषा में सबने कहा है भविष्यवाणी इनके लिए। और अष्टादश पुराण में और जो 18 पुराण में है इसमें भी इनकी साक्षी है। आगम शास्त्र लखाए आगम शास्त्र यानी भविष्यवाणी पूर्व से ही आने की सूचना आने की साक्षियां दी गई थी। जो ग्राहक या वस्तु को ग्राहक यानी जिज्ञासु जो जिज्ञासु होगा इस वस्तु वस्तु का इस ज्ञान को पाने का सो लेवे चित लाए बड़े बड़े ध्यान से वो उसको ग्रहण करेगा। ताको वेद उपनिषद में उसको वेद और उपनिषद में जो कहा गया है हम सब दे समझाए हम उसकी साक्षी देकर सबको समझाएंगे। तब सब ने चित में लई तब सभी ने ये बात ध्यान में ले ली। ये नहीं कहूँ बधाए ये नहीं कहूँ बधाए ये कहीं हमारे वचनों में ये रुकने वाले नहीं है यानी अटकने वाले नहीं है सब स्पष्ट करेंगे। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय आप सभी जो साधु संत लोग थे सभी ने इनसे पूछना प्रारंभ किया कि अपना धाम बताइए अपना क्षेत्र बताइए अपना संप्रदाय बताइए। तब जवाब नहीं आए तब इनको जवाब नहीं आएगा अपन पूछेंगे तो स्वामी विद संप्रदाय को आप ये कहने लगे हैं स्वामी जी आप अपना तरीका बताइए आप अपनी विधि बताइए अपने संप्रदाय की। कहो साथ दे सोए सब साक्षी दे के बताइएगा। जो हम अपने सब कही जिस तरह से हमने अपने सब कुछ आपके सामने रख दिया क्यों तुम कहो प्रश्न होए इसी तरह प्रसन्न होकर के आप ही कहिएगा। करके गर्व बोले सभी सभी जितने संत महंत बैठे थे अभिमान में चूर होकर के बोलने लगे। प्रश्न विविध विस्तार आप एक एक प्रश्न का अलग तरीके से यानी कि साक्षी देकर के उत्तर दीजिएगा। शाखा शिखा कहो अपनी आपकी कौन सी शाखा है कौन सी शिखा है ये अपनी बताइएगा। फिर कहो सूत्र विचार और आपका सूत्र कौन सा है वो भी बताइएगा। सेवन अपनी निज कहो और किसका सेवन करते हैं किसकी आराधना करते हैं वो भी बताइए। गोत्र इष्ट और जाप आपका कौन सा गोत्र है कौन सा इष्ट यानी आराध्य है और जाप कौन सा है। साधन मंत्र पूरी कहो आप अपना साधन बताइए कि किस साधन से आप वहाँ तक गंतव्य तक पहुँचेंगे आपका कौन सा मंत्र है कौन सी पूरी है। कहो देवी प्रताप और कौन सी देवी का प्रताप है आपके ऊपर। साला कहिए अपनी और अपनी साला भी बताइएगा।
क्षेत्र होए जो कोई, और जो क्षेत्र हो वो भी बताना। सुख विलास ऋषि देव जो, आप अपना सुख विलास और जो ऋषि हैं और जो देवता है उनको भी बताइएगा। तीर्थ शास्त्र जो होए, और किस तीर्थ को मानते हैं, कौन सा शास्त्र का वचन श्रवण करते हैं इसको भी बताइएगा। ज्ञान कहिए कुल अपनो, और अपना समस्त ज्ञान बताइएगा। फल और द्वार प्रकाश, और उससे क्या फल प्राप्त होगा, वो कौन सा द्वार है जिससे आप ये फल प्राप्त करेंगे। कहाँ निवास कौन संप्रदा, आपका कहाँ निवास है, अखंड निवास, और कौन सी संप्रदा है। कहो उत्तर प्रश्न हो जा, आप एक एक प्रश्न का भली भांति जवाब दीजिएगा। कृपा दृष्ट बोले तभी, कृपा दृष्ट बोले तभी, तब श्री जी साहब जी महामति श्री प्राणनाथ जी सबके बीच में बोले, सुनो साधु सब कोई, ये साधु संतो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेगा। प्रश्न प्रश्न को उत्तर, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। तुमको दे हम सोए, आप सभी के सामने हम बता रहे हैं। अकथ भेद अद्भुत ये है, जो भेद आज तक आपको मालूम नहीं है, नहीं बताया गया है, जो कहा नहीं गया है, वो भेद हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। चित दे सुनो तुम सब, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेगा। कि जो हृदय विचार, और अपने हृदय में विचार करना फिर उस वाणी पर। धरो रोष जिने अब, और अपने मन में किसी प्रकार का रोष क्रोध ईर्ष्या ये मत रखना। स्तुति स्मृति की साथ दे, श्रुति स्मृति की साक्षी दे, श्रुति और स्मृति की मैं साक्षी दे करके बताऊंगा आपको। कहो तुम्हें समझाए, आपको समझा कर बताएंगे हम। ग्राहक हो चित दे सुनो, ग्राहक हो चित दे सुनो, यदि आप पात्रता रखते हैं, यदि आपके अंदर जिज्ञासा है जानने की, तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो कलयुग भ्रम जाए, तो कलयुग रूपी भ्रम आपके अंदर से, आपके भ्रम का निवारण होगा। सतगुरु ब्रह्मानंद है, गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे, सतगुरु ब्रह्मानंद है। इस संसार में हम बहुत गुरु बनाते हैं, बहुत गुरु रहते हैं हमारे। एक सर्वप्रथम तो माता पिता गुरु रहते हैं, उसके बाद हम जब बाल्यावस्था में हुए तो विद्यालयों में जाते हैं, वहां गुरु मिलते हैं जो लौकिक ज्ञान देते हैं, जो अपरा का ज्ञान देते हैं। तो ये संसारिक ज्ञान लेने के पश्चात जब हमें थोड़ा विवेक जागृत होता है, तब हम ऐसे गुरु को करते हैं जो हमें लौकिक से पारलौकिक का ज्ञान दे, पारलौकिक ज्ञान दे, उस गुरु को हम करते हैं। सदगुरु सोए जो, आप चिन्हारे मोह माया और आप अलख लखावे, यानी कि जो आज तक किसी ने नहीं देखा सदगुरु वही है जो यहाँ का भेद निरूपण करके, और अलख जो आज तक किसी ने नहीं देखा परमधाम का भी हमें वर्णन करके बताए, और हमारी दृष्टि हमें वो दृष्टि दे जिससे हम वो देख सकें, जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपना आत्म कल्याण कर सकें, वो सदगुरु है। सतगुरु सोई, सतगुरु ब्रह्मानंद है। हमारे सतगुरु कौन है, ब्रह्म का आनंद देने वाली श्री राजजी महाराज की आराधनी शक्ति श्री श्यामा जी स्वरूप सतगुरु श्री देवचंद जी हमारे सतगुरु हैं, जो इस संसार में तारतम ज्ञान लेके आए जिससे हम सब का कल्याण और पूरे संसार को मुक्ति मिलने वाली है। ऐसा तारतम ज्ञान लेकर के आए वो हमारे सतगुरु हैं, उनने माया और ब्रह्म का निरूपण किया। सूत्र है अक्षर रूप, और सूत्र यानी मिलाने वाली कड़ी उसको कहते हैं सूत्र। अक्षर ब्रह्म के परे अक्षरातीत धाम है, तो जब हम क्षर ब्रह्मांड से जाएंगे तो बीच में अक्षर ब्रह्म है, यानी बेहद भूमिका और अक्षर ब्रह्म है, तो उस अक्षर ब्रह्म हमें मिलाने वाली कड़ी है, उसको सूत्र कहा गया है जिससे हम अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। शिखा सदा इनसे परे, और शिखा हमेशा ऊंचे स्थान पर रहती है, तो शिखा कौन है, अक्षरातीत धाम, वही हमारा हमारी शिखा है जहाँ हमें पहुँचना है। चेतन चित जो अनूप, जो
चिदघन स्वरूप चेतन है, चिन्मय स्वरूप है, चिदघन स्वरूप है और अनुपम स्वरूप है, ऐसे हमारे धान धनी वो हमारे शिखा है, सेवन है पुरुषोत्तम। और जो गीता में कहा गया है पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग में बताया गया है सेवन है पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम जो सर्वश्रेष्ठ सच्चिदानंदमय जो हमारे धाम धनी है उनको हम सेवन करते हैं, वही हमारे राज्य महाराज उन्हीं का हम ध्यान करते हैं। गोत्र चिदानंद जान, और गोत्र जिससे हमारी परंपरा चली, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई वो कौन है, राज्य की ही आनंद श्यामा महारानी जी से हम सुंदर साथ हुए, यानी कि श्यामा जी ने अंग सुंदर साथ उसी उन्हीं से हमारा गोत्र चला, उन्हीं से हमारी पहचान बनी। परम किशोरी इष्ट है, और जो परम धाम में क्या है सब एक रस है, वहाँ किशोरावस्था की लीला है। तो हमारी जो श्यामा महारानी है जिनको हम ठाकुरानी जी कहें या श्यामा महारानी कहें वो कैसी है, परम किशोरी इष्ट है। जो हमारी श्यामा महारानी है वो हमेशा किशोरावस्था को प्राप्त है, वो हमारी आराध्या है। पतिव्रत साधन मान, और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए श्यामा जी और राज्य के पास पहुँचने के लिए जो साधन बताया गया है निजानंद समुदाय में वो पतिव्रता पति भाव भजिए भर्ता, अपने भरदार अपने धनी को जिस तरह हम संसार में पति की पूरी सेवा करते हैं पति का ध्यान रखते हैं ऐसे पतिव्रता की तरह हमें पति का ध्यान रखना है। और सखी भाव भजिए भरता पति भाव भजिए भरता, इस तरह से पतिव्रता अनंत परा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अनन्य यानी और अन्य को न मानकर केवल एक का ध्यान कर, परा प्रेम लक्षणा भक्ति, और प्रेम लक्षणा भक्ति जो दसवीं भक्ति है उसके द्वारा हम पहुँचेंगे वहाँ। श्री युगल किशोर को जाप है, और श्री युगल किशोर कौन है, श्री राज्य और श्यामा जी उनका हम जाप करते हैं। जब तक हमारे यहाँ बच्चों को तारता मंत्र नहीं दिया जाता उनको बताया जाता है कि राज श्यामा जी राज श्यामा जी बोलो, तो राज श्यामा जी का हम जाप करते हैं, उसके नाम की माला करते हैं। मंत्र तारतम सोए, और जो हमारा मंत्र है वो तारतम मंत्र है। तारतम, तम है अंधकार स्वरूप और तार है प्रकाश स्वरूप, तार है संसार से तारने वाला, तो अंधकार से दूर करके प्रकाश की ओर ले जाने वाला मंत्र ऐसे तारतम मंत्र जो है हमारा उसको हम निज नाम मंत्र भी कहते हैं। निज नाम पढ़ा तू सब पढ़ा, सब मंत्रण का भी निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों गए, ये कबीर की साखी है कि निज नाम एक ऐसा मंत्र है, निज माने शाश्वत सनातन ऐसा मंत्र है जो उसके आगे सब मंत्र फीके है। निज नाम पढ़ा तू सब पढ़ा, सब मंत्रण का भीर निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों गए, इसीलिए सद्गुरु श्री देवचंद जी ने अन्य मंत्रों को फिर ग्रहण नहीं किया कि ये तो हमें आवागमन के उससे चक्कर से छुड़ाने वाला है, हजारों बिच्छुओं के डंक को दूर करने वाला मंत्र है अपने गुरु हरिदास जिसे उन्होंने कहा था ब्रह्म विद्या देवी सही, और ब्रह्म का ज्ञान देने वाली ब्रह्म विद्या वो हमारी देवी है। पूरी नौतन मम जोए, और हमारी पूरी नौतन पूरी है क्योंकि पहले बीज उदय हुआ पूरी जहाँ नौतन, ये बीज तारतम का बीज और श्री महाराज का प्रकटन भी वही हुआ नौतनपुरी का मैं, तो वही हमारी पूरी है जहाँ से हमारा ये निजानंद संप्रदाय प्रकट हुआ। अठहत्तर सौ पक्षा खा सही, और अठहत्तर सौ पक्षा खा कही यानी 108 पक्ष हैं। हम जो माला में माला करते हैं तो 108 दाने 108 मन के 108 गुरिया उसके उसका जाप करते हैं, तो 108 पक्ष कैसे हुए, 108 पक्ष ऐसे हुए कि जो नौधा भक्ति है संसार में रामचरित मानस में भी श्री रामचंद्र जी ने सबरी को ये मंत्र दिया था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तो पहले क्या है श्रवण है कीर्तन है स्मरण है
दास है, सख्य है, अर्चन है, वंदन है और पाद सेवनम है और एक और है। इस तरह से नवभा भक्ति है। ये नवभा भक्ति वाले वैकुंठ तक जा सकते हैं। यदि नवदा भक्ति उनने भली प्रकार कर ली, कोई दास भाव की करते हैं तो कोई सख्य भाव की करते हैं, कोई अर्चन, कोई वंदन, कोई पाद सेवनम, तो इस तरह से जो करते हैं तो ये नवदा भक्ति वाले लोग अधिक से अधिक वैकुंठ तक पहुंचते हैं, जो 14 लोकों का सिरा है। जो हम जिस लोक में हैं वो है मृत्यु लोक। इसके नीचे 7 पाताल हैं, ऊपर 6 लोक हैं। इस तरह से कुल मिला के 14 लोक होते हैं और 14 लोकों का सिरा क्या है, वैकुंठ है। वहां तक कि ये नवदा भक्ति वाले पहुंचते हैं। अब नवदा भक्ति में जो 3 हमारे प्रकार हैं, किस तरह से हम भक्ति करें, पुष्ट प्रवाह मर्यादा के इन पक्षों को यदि हम 9 से गुणा करें तो 9 × 9 = 27। किस कोई कोई जाता है पुष्टाय से सुनता है, कोई कोई जाता है मर्यादा में और कोई परवाह में कि सब भीड़ जा रही है तो चलो हम भी चलें कथा श्रवण करने के लिए। तो ये 3 प्रकार हैं नवधा भक्ति के, 3 पक्ष हैं जिनके द्वारा संसार के लोग जाते हैं आध्यात्म में या कहीं की सुनने के लिए। तो ये 27 हुए। अब 27 में जो हम सब के अंदर 3 गुण, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इनको हम गुणा करें इनको 27 से, तो 27 × 81 हो जाती है। ये 81 पक्ष, 81 सोपान या 81 सीढ़ियां का। 82 पक्ष है बल्लभाचार्य जी का, जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। महामति श्री प्राणनाथ जी ने भी इनकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। 82 पक्ष तक ये पहुंचे। 83 पक्ष में अक्षर की 5 वासनाएं, अक्षर केरी वासना कहिए 5 रतन। कौन है ये, वैकुंठा अधिपति विष्णु भगवान है, महादेव है, संकादिक है, सुखदेव है और कबीर है। ये 83 पक्ष तक पहुंचे और उसके बाद हमारे 25 पक्ष धाम घने के। धाम तलाब कुंज वन जो है, नहरे मानिक वन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ा वन कहिए, यो फुकराजी जमुना जी लहिए, 8वां सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम घने। तो ये 83 में 25 जोड़े तो 108 पक्ष हो जाते। ये 108 सोपान है, 108 चिड़िया है परम धाम पहुंचने के लिए। जो हम रोल माला करते हैं इसका महत्व भी हमें मालूम होना चाहिए, हम सबको बता सके। तो ये 108 पक्ष जब हम सीढ़ी चढ़ चुकेंगे तब हम परम धाम पहुंचेंगे। साला है वो लोक, और साला विश्राम स्थली वो लोक है, अक्षर ब्रह्म के जो अंतःकरण है सबलिक में, वहाँ गोलोक में हमारी शाला है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, और सतगुरु चरण को क्षेत्र है, सतगुरु है जो हमारे ब्रह्म का आनंद देने वाले, सतगुरु श्री श्यामा जी, सतगुरु श्री देवचंद जी, ये सतगुरु का हमारा क्षेत्र है। जहाँ जाए सब शोक, जहाँ जाए सब शोक, वहाँ सब हमारे शोक दुख दूर होते हैं। सुख विलास माहि नित्य वृंदावन, और सुख विलास नित्य वृंदावन है। नित्य वृंदावन कौन है, केवल ब्रह्म की आलादनी शक्ति योग माया ने जो राज्य के हुक्म से एक नवीन ब्रह्मांड की रचना की थी, वो सुख विलास नित्य वृंदावन, वहाँ हमारा सुख विलास है। ऋषि महाविष्णु है जो, और जो महाविष्णु है ये कौन है, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप महाविष्णु वो हमारे ऋषि हैं। वेद हमारा स्वसम है, और जो हमारा वेद है वो 5वां वेद स्वसम वेद है। स्वसम वेद यानी स्वरूप साहेब, जिसको कुलजम स्वरूप भी कहा गया है, जिसको तारतम सागर भी कहा गया है, वो स्वसम वेद हमारा वेद है। तीरथ जमुना सोई, और तीरथ यमुना नदी है जो परमधाम में बहती है, 18 लाख कोस पुखराज पर्वत के मूल कुंड की वहाँ से निकल करके और हज कौशल तालाब में समाहित होती हैं। ऐसी यमुना नदी है जो परम धाम और अक्षरधाम के बीचों बीच
ऐसी जमुना नदी हमारा तीर्थ है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, और जो शास्त्र को श्रवण हम करते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण का हम श्रवण करते हैं, क्योंकि इसमें कृष्ण लीला का उल्लेख है, इसलिए हम शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, पढ़ते हैं। बुद्ध जागृत को ज्ञान, और हमारे पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है, अक्षर की जागृत बुद्धि का ज्ञान है, जो तात्म ज्ञान हमारे पास आया। कुल मूल हमारो आनंद है, और कुल मूल हमारा आनंद, हमारा लक्ष्य क्या है, आनंद प्राप्ति, क्योंकि हम आनंद में ही रहने वाली थी, और आनंद हम श्यामा जी के लिए हम सुंदर साथ हैं। हमारा कुल मूल उद्देश्य क्या है, आनंद प्राप्त करना, जो कि परम धाम में हमें आनंद, अखंड आनंद प्राप्त होगा। फल नित्य विहार प्रमाण, फल नित्य विहार प्रमाण, और इस संसार सागर से पार होकर के हम आवागमन से मुक्त होके जो इन बिंदुओं पे चलेंगे, जो 23 सूत्र हैं, इन बिंदुओं पे चलेंगे तो हमें प्राप्त होगा और अखंड आनंद प्राप्त होगा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, और जिसको वेदों और उपनिषदों में जिस परम धाम को कहा गया है दिव्य ब्रह्मपुर, और अक्षर धाम को कहा गया है ब्रह्मपुर, हम दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है, जिसको हम परम धाम कहते हैं, जिसको अर्श अजीम कहा गया है, जिसको लाहूत कहा गया है, ऐसा दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है। घर अक्षरातीत निवास, और घर अक्षरातीत निवास, वही घर हमारा अक्षरातीत, जहाँ रहते हैं वही रंग महल में हमारा निवास है। निजानंद है संप्रदा, निजानंद है संप्रदा, निज यानी शाश्वत आनंद देने वाली जो हमारी संप्रदा है, जो सदगुरु श्री देवचंद जी के द्वारा प्रकट हुई, ऐसी हमारी संप्रदा है। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, ये उत्तर हमने एक एक प्रश्न के उत्तर आपको प्रकाशित किए, आपसे बताए। धन श्री देवचंद जी निजानंद, और जो निजानंद स्वामी हो गए, जिनको यहाँ 40 वर्ष की अवस्था में निजानंद की प्राप्ति हो कुछ है, ऐसे धन श्री देवचंद जी जो निजानंद स्वामी हैं, इन प्रकट करी संप्रदाय है, उन्हीं के द्वारा संसार में ये संप्रदाय प्रकट हुई है, हमें यह लखी है, उनके द्वारा ही हमने ये ज्ञान प्राप्त किया निजानंद संप्रदाय का। द्वार पावे अब ते है, और हमारे द्वारा भी और समस्त ब्रह्म मुनियों के द्वारा इस संसार के लोग वो मार्ग प्राप्त करेंगे जो निजानंद स्वामी ने हमें दिया। तो या भात चर्चा बहुत, तो यहाँ हरिद्वार के कुंभ के मेले में बहुत चर्चा हुई सभी साधु संतों से, सभी पंथों से, भाई मेला में जान, मेला में इस तरह से बहुत शास्त्रार्थ हुआ, साक्षी दई सब शास्त्र की, और सभी शास्त्रों की साक्षियां दी गई हैं इसमें। अब गति गति जो प्रमाण, अवगति जो होनी और अनहोनी सब प्रमाण दे करके उन्होंने बताए हैं। तहां 35 के वर्ष में, ऐसा पूर्व से उल्लेखित था वेद शास्त्रों में, पुराणों में कहा था, दिसंबर 1735 में ये घटना घटित होगी यहाँ। भय निशान धूम्रकेतु, धूम्रकेतु यानी पुच्छल तारा दिखाई देगा, और 11 महीने का वर्ष होगा उस समय, ऐसा पूर्व से लिखा हुआ था। 6 भई एक मास की यानी जो 12 महीने का वर्ष होता है, उस बार 11 महीने का वर्ष हुआ। इन समय जगत भयो अचेत, और संसार के लोग पढ़ते थे लेकिन उसका मर्म नहीं जानते थे, उसका अर्थ नहीं जानते थे विस्तार से, उसके क्या उसमें गोपनीयता है ये कोई नहीं समझ पाया था। साके विजयाभिनंद की, दिसंबर 1735 से विजयाभिनंद बुद्ध जी का साका प्रारंभ होगा, ये पूर्व से लिखा था। उकारत सब कलाम, उकारत सब कलाम, सबकी वाणी में ये लिखा गया है, और यहाँ 6-7 किरंदन भी अवतरित होते हैं। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहिंस चढ़ में रहूं, एक तो ये, और ये विजयानंद बुद्ध जी की आरती जो शाम को गाई जाती है ये भी अवतरित हुआ। इसमें पूरा मेला का हवाला है, भाई नैरे नवखंडो आरती, श्री विजयानंद बुद्ध जी की आरती, प्रेम मगन को उतारती, सखी आप या परवार की, भाई नैरे नवखंडो आरती, दुष्टाय सबों की संघारती, सुख अखंड आनंद विस्तार की, जन सचरा चर उतारती,
भय नैरे नौ खंडो आय नवनाथ 84 सिद्ध वर्ष अनुर सभी का वर्णन इसमें आया है। तो ये भाई नैरे नौ खंडो आरती भी अवतरित होती है और कई प्रकरण कीर्तन के कई प्रकरण भी अवतरित होते हैं यहाँ ताको सभी पढ़ते हैं। सभी लोग पढ़ते थे, वे शास्त्रों में इसका आता था उल्लेख, लेकिन सब जान नहीं पाए इस बात को। पर भूली खलक तमाम, लेकिन संसार के लोग अज्ञानता में भूले हुए थे। जीती फौज सिरे संसार की, अरे हाँ, महामति श्री प्राणनाथ जी ने जीती फौज सिरे संसार की। जितने ज्ञानी ध्यानी लोग थे, जितने आश्रम, जितने वर्णों की, जितने संप्रदाय के, 10 नाम सन्यासी सत दर्शनी सबके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की। कारज कारण विस्तार, ये तो कारज कारण बना जो हरिद्वार में उनका आना हुआ, तो सब ने महामति श्री प्राणनाथ जी का अभिनंदन किया, विजय अभिनंदन किया, इसलिए विजय नंद बुद्ध निष्कलंक कहलाए। तहां तमाशा देख के, यहाँ ये तमाशा अलग अलग सब संप्रदाय का ये तमाशा देख करके, फिर कियो विचार, फिर विचार करने लगे कि हम यहाँ किस लिए आए थे, वो राज्य की कृपा से ये कार्य पूरा होगा, अब हमें आगे चलना चाहिए, सुंदर साथ की खबर लेनी चाहिए जिनको दिल्ली में छोड़ के आए थे। दाऊद पांडे की हवेली में, आज यहाँ से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं, दाऊद पांडे की हवेली तक पहुँचते हैं दिल्ली में। साथ को छोड़े जब, सुंदर साथ को छोड़ कर के आए थे, हरिद्वार से हो के, अब हरिद्वार से यहाँ हो करके आए के मिले तब, आके मिले तब सब सुंदर साथ से मुलाकात हुई। इन समय खिजमत में, इन समय खिजमत में यानी सेवा कार्यों में, सेवा बंदगी में कौन रहता है, रहता था गरीब दास। गरीब दास, ये कौन से गरीब दास है, जो सूरत से चले थे, जिनका नाम था नागजी भाई, इन्हें गरीब दास का खिताब दिया गया था। यही धनी की सेवा में, सिद्धि साहब जी की सेवा में लगे रहते हैं। खान सामा खिताब दीवान का, अब सिद्धि साहब जी ने इन्हें और उपाधि से विभूषित किया, इन्हें खान सामा की महिमा दी और इन्हें दीवान का भी खिताब दिया। प्रसन्न होकर के कहा कलाम खास, अपने वचनों के द्वारा उन्हें खान सामा और दीवान का खिताब दिया। यह लाल दास को, अब लाल दास जी को पहले हुक्म था कि तुम औरंगजेब बादशाह तक संदेश पहुंचाओ, तो लाल दास तो उनकी आज्ञा के उसमें खड़े रहते थे, ना मालूम कौन सी आज्ञा में मिलने वाली है। हुआ था हुक्म, ऐसा हुक्म हुआ था पहले लाल दास को, इसी वास्ते आगेगी, इसलिए वो आगे उद्धत रहते थे हर सेवा कार्य के लिए। धड़का था कदम, लाल दास जी सेवा कार्यों में आगे प्रवर्तित रहते थे। फिर श्री राज आए दिल्ली, अब श्रीजी साहब दिल्ली आ गए अपने साथियों के सहित। आए मिले सब साथ, सब सुंदर साथ से भेंट की। मास चारित भई, यहाँ हरिद्वार के बीच में 4 महीने हो गए थे श्रीजी साहब जी को। फिर साथ के पकड़े हाथ, सुंदर साथ को पकड़ा यानी कि उनके पास रहे। इत विचार करके, अब फिर से विचार विमर्श होता है। राखी एक तरफ स्वरूप दे, अब ये विचार हुआ कि जो अपने महिलाएं हैं, महिला सुंदर साथ हैं अपने साथ में, इन महिला सुंदर साथ को एक जगह रुकाना चाहिए, एक जगह छोड़ना चाहिए, फिर हम लोग अकेले होकर के, स्वतंत्र होकर के धर्म कार्य करें, धर्म युद्ध करें। लड़े छड़े होएगी, लड़े छड़े होएगी, छड़े माने अकेले स्वतंत्र होकर के, यानी कि इन महिलाओं की चिंता ना हो अपने पास में, ऐसी इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। देखें कैसा काम होवे जी, अब देखो कैसा काम बनता है, जो अपन सोच रहे हैं उसमें कहाँ तक सफलता मिलती है। तब अनूप शहर को, तब अनूप शहर तरफ जाना होता है सिद्धि साहब जी का। सब साथ को ले चले, सब सुंदर साथ को लेकर चले अनूप शहर की तरफ। कहाँ एक हवेली लेके, अनूप शहर चूँकि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक हवेली लेकर के रहते हैं। सब साथ को रखी, समझ सुंदर साथ को वहाँ रखा। इत रहते एक पाठक, एक यहाँ पाठक रहते हैं वही हवेली के पास में। अनूप शहर का चौधरी, वो
स्वरूप शहर के चौधरी कहलाते हैं। दो दिन आया दीदार को, वो दो दिन शिरडी साहब जी के दर्शन करने के लिए आए। तिन सो चर्चा करी, उनसे शिरडी साहब जी ने चर्चा की। शीशा एक गुलाब का बड़ा बड़ा मर्दमान सा गुलाब के इत्र का शीशा लेके आए। वो आगे धरया तेना, शिवजी की सेवा में उन्होंने हाजिर किया। उपली कथक पहचान से, ऊपरी वेशभूषा ऊपरी दृष्टि से उन्हें आकर्षण लगा। ये कुछ पहचान थी, अंदरूनी कोई पहचान नहीं थी, उनके ज्ञान की पहचान नहीं थी। और न चिन्हा के न, और कोई पहचान नहीं हो पाई ने। कहां साथ को राख के, यहाँ अनूप शहर में सुंदर साथ को रख करके फिर आए दिल्ली में। अभी अनूप शहर में बहुत सा काम होना है। यहाँ सनंद ग्रंथ का अवतरण होना है, और यहाँ जो कलश गुजराती है और प्रकाश गुजराती है उसका हिंदी अनुवाद होगा अनूप शहर में, यानी प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी, हिंदी अनुवाद होगा इन दोनों का। उतरी आए साहगंज में, अब साहगंज में आए जब आए बातें करी साथ से, अब सुंदर साथ से बातें करने लगे। और जो साथ में थे, साथ जो दिल्ली का, और जो दिल्ली के साथी थे जिनके घर ही थे दिल्ली में, आए मिला सब धाए। जैसे पता लगा कि शिवजी साहब साहगंज में आ गए हैं, वैसे ही खबर सुन के सब दौड़ के आए शिवजी साहब जी के पास। इन सब को परियान की, अब इन समय सबको सलाह की, विचार विमर्श की कि क्या विवेचना हो रही है, क्या मंत्रणा हो रही है, इन सबको ये चिंता थी। बातें करी बनाए, सबसे सलाह किया, विचार विमर्श किया, कहाँ से थी पाती लिखी। अब यहाँ से फिर एक पत्र लिखते हैं बिहारी जी ऊपर, बिहारी जी जो जामनगर में है, गादी पति है, सतगुरु स्वरूप है, उनके पास पत्र भेजते हैं। एक शख्स चलाया, एक व्यक्ति के द्वारा वो पत्र दिया, क्योंकि पहले डाक व्यवस्था नहीं थी, सब आदमी ही संदेश लेके जाते थे, जिनको संदेश वाहक कहा जाता था। जैसे हमारा संदेश लेके परमधाम से 90,000 अर्थ में मोहम्मद साहब आए, उनको रसूल कहा गया, रसूल की पदवी दी गई, ऐसे ही श्रीजी साहब जी ने एक व्यक्ति को संदेश लेकर के और जामनगर नौतनपुरी भेजा। सारी दे खबर, सब खबर जो आप दी थी अभी तक की हरिद्वार के प्रसंग का, सब कुछ उसमें लिख के भेजा। फिर यहाँ से चलना होता है। आए लाल दरवाजे में, साहगंज से फिर लाल दरवाजे में आए, साथ सभी मिल के, साथ सभी मिलकर के, समझ सुंदर साथ मिलके परियान किया। दिन से सब ने परियान किया, यानी सलाह किया, विचार विमर्श किया। आशा जीत बुलाया, आशा जीत जो दिल्ली का ही साथी था उसको बुलाया। सुनाए सब कलाम, उनको सब वचन सुनाए जो पत्र में लिखे थे। सिफत जो तिन में लिखी, उसमें जो तारीफ लिखी थी किसकी, मोहम्मद साहब की लिखी थी, वो बताया। मोहम्मद अलैहि सलाम, परमात्मा की कृपा पात्र मोहम्मद साहब के बारे में लिखा था। नबी और नारायण की जो सनंद अवतरित हुई थी। कछु सुनाई पहचान, कुछ ने इन्हें सुनाई आशा जी को। तब ये बात सुन करके खलबली परी बहकी मार, उसके विश्वास में खलबली मच गई कि ये हिंदू हो के और ये मोहम्मद साहब का ज्ञान ले रहे हैं, कुरान का ज्ञान ले रहे हैं। जब इनने मोहम्मद साहब की सनंद सुनी और नबी और नारायण की सनंद सुनी तो इसके विश्वास ये डावाडोल होने लगा हिंदुओं की तरफ की। अब हिंदुओं की तरफ की तो कोई बात ही नहीं करती, ये कछु ना रही थोरे, कछु ना नहीं था, हिंदुओं का क्या ठिकाना है, उस संबंध में तो कोई बात ही नहीं करते। इनमें तो कछु ना रहा, अब ये वही वही बातें करते हैं मोहम्मद साहब से संबंधित। बड़ा होते है जोर, अब ये जो निरंकुश शासक था, जो औरंगजेब निरंकुश शासक था, उसके अधिकारी कर्मचारी सभी ऐसे कट्टर सराय के मानने वाले थे, इन्हें कुछ भय नहीं लगता है। मैं देखा तो हूँ तुमको, अब ये क्या कहता है आशा जी,
सृजी साहब और सुंदर साहब के बीच में मैं देखता हूँ तुमको बिना सिर के आदमी। हमें ऐसा लगता है, मैं देखता हूँ अपनी आंखों से कि आप बिना सिर के आदमी हो, यानी कि आपको अपना कोई डर भय नहीं है कि यहाँ हम जो रुके हैं दिल्ली शहर में इनके अधिकारी कितने कट्टर हैं, जरा भी कुछ इनमें रहम नहीं है, दया नहीं है। आप उन्हीं की वाणी पढ़ रहे हैं तो हम जो देख रहे हैं कि बिना सिर के आदमी होते थे ऐसा सुना था, लेकिन आज देख लिया। कानों तो सुने हते, कानों से तो सुना था कि बिना सिर के आदमी होते हैं, लेकिन आज हमने देख भी लिया। तुमको देखे निज में, इस जमी में यहाँ दिल्ली शहर में आपको देखा हमने। अमल औरंगजेब का, जो अमल है, जो शासन है औरंगजेब का है, और शरीयत का अमल है, और शरीयत कट्टर सराय के मानने वाले उनके अधिकारी उनके कर्मचारी उनका बोलबाला है दिल्ली में। तीन सौ तुम लड़ते हो और उनसे आपने जंग ठान ली है, धर्मयुद्ध छेड़ लिया है। इसलिए हमें चैन नहीं पड़ रहा है, कैसे सफलता मिली, कैसे अपन बात करेंगे उसे, कैसे अपना संदेश भेजेंगे, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। तब ये विचार करके आपस में छोड़ दिए इनको, चूंकि इसको घबराहट हो रही थी आशाजीत को, इसलिए उसको छोड़ दिया कि भाई इसके सामने अपन को बात नहीं करनी है। आप विचार है अपने साथ में, और फिर अपने सुंदर साथ में विचार करने लगे, करे आपस में विचार विमर्श होने लगा। कौन नजीकी इनका, जो औरंगजेब बादशाह है कट्टर सराय का मानने वाला, इनके नजदीकी कौन से अधिकारी रहते हैं। करते जैसे मिलाप, उनसे भेंट करनी चाहिए, उनके पास ये पत्र भेजना चाहिए जिससे वो बादशाह तक पहुंचाएंगे। कहे हकीकत अपनी, और अपनी हकीकत हमें बताना चाहिए उन्हें, इन्हें छूट जाए सब ताप। और यदि औरंगजेब बादशाह सुन लेता है अपने पत्र को तो उस जो ले जाएगा पत्र उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। यह विचार करके जाए मिले सिख सलेमान, सिख सलेमान से भेंट करते हैं। लालदास और अन्य साथी जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं। तिन सो कहा हमको, और उनसे कहा हमको मिलाओ सुल्तान बादशाह, जो औरंगजेब बादशाह है उनसे मुलाकात करवा दीजिए हमारी। इन्हें मिलाप श्री राज, इन मिलाप श्री राज शेख सलेमान की एक बार सिद्धी साहब जी से भी भेंट हो चुकी थी। किया था वीर दो बार हो चुकी थी भेंट इनके दिल में कुफर, और ये शेख सलेमान जो काजी था इसके दिल में कुफर था, यानी कि उसको अंदर बेईमानी सी थी, उसको लगता था कि ये अगर ये फकीर हैं, संत हैं, तो कोई चमत्कार दिखाएं, इसलिए चमत्कार देखना चाहता था। कीमिया मांगे सोए, कीमिया यानी चमत्कार मांगता था वो इनको एक फकीर की। अब लालदास जी ने क्या कहा कि हम लोगों को एक फकीर ने आपके पास भेजा है, बात कही समझाए, समझा बुझा करके बात की कि किसी तरह अपनी बात बने। बैठा फकीर पहाड़ में, और पहाड़ पर बैठे हुए हैं वो फकीर, तिनके भेजे हम आए, उनके द्वारा भेजे हुए हम आपके पास आए हैं, तुम्हारे दिल के बीच में, और आपके दिल में कोई भी संदेह हो, कोई भी बात हो, आप स्पष्ट करिए। जेता कोई मनोरथ, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, आप बताइए। सो सारे तुम्हारे, तो वो फकीर सब तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण करेंगे, पूरे करे अरथ, सब तुम्हारे अरथ पूरे करेंगे। एक दिन सब हो बनी, और सब एक धर्म होगा बाद में। भागे सबका विरोध, सब में जो आपस में विरोध है धर्म संप्रदाय में, ये विरोध दूर होगा। आपस में लड़ मरते हैं, जो आपस में हम धर्म भाषा पर लड़ते हैं जबकि उसका अर्थ नहीं जानते हम, और उसी में लड़ते हैं। सो मिट जावे क्रोध, सो वो सब विरोध दूर होगा। और सब तुम्हारे दुश्मन है, और जो तुम्हारे दुश्मन है इस संसार में वो सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। सो आपे हो वे जीर, जीर माने परास्त,
यानी कि वो आपसे दुश्मनी करना छोड़ देंगे। तुम्हारा सिर ऊंचा हो वही और आपका सिर ऊंचा होगा, आपके जो काम होंगे आप वो फकीर के आशीर्वाद से आपका सिर ऊंचा होगा। जाए लगे सिर मेर, जाए लगे सिर मेर यानी पहाड़ के समान ऊंचाई पर आपका सिर होगा। और जीता कोई कीमिया कर, और जो कीमिया जो चमत्कार दिखाने वाले हैं, करने वाले धात, धात से यानी कि लोहा से सोना बनाने वाले हैं, जो चमत्कार करने वाले हैं, जो जादूगर हैं, वे कदम तुम्हारे पकड़े, वे कदम तुम्हारे पकड़ेंगे, तुम्हारे ऐसी सिद्धि मिलेगी कि वो तुम्हारे कदम पकड़ेंगे। अधीन होए कर बात, और आपकी अधीनता में बात करेंगे, और डर सुल्तान की, और तुम्हें एक तरफ बादशाह का भय भरा हुआ है, रहे न कोई कित, तुम्हें किसी प्रकार का उनसे डर नहीं लगेगा, तुम्हें को खुदा करे रसूल का, और परमात्मा ने चाहा तो रसूल यानी मोहम्मद साहब का दीदार हो बीत, तुम्हें आखिरी मोहम्मद के दीदार भी होंगे, दर्शन भी होंगे। तब जब ये बात लिख दई, जब ये बात लालदास जी ने उनके साथियों ने लिख करके दे दी, किसको? शेख सलीमान को। तब डरिया शेख सलीमान, तब शेख सलीमान डरने लगा कि अरे ये लोग तो बात के पक्के हैं, ये लिखित दे रहे हैं हमें यानी प्रमाण दे रहे हैं इस बात का। तब इतनी बात साही, तब वो कहने लगा शेख सलीमान कि जो यहाँ का शासन कर रहे हैं औरंगजेब बादशाह, यहाँ का साम्राज्य का मालिक कौन होगा, कौन शासन करेगा, कौन करे सुल्तान, कौन करेगा, कौन राजा होगा। तब जवाब लाले दिया, तब लालदास जी ने जवाब दिया, इन फकीर की बात साही, इन फकीर जिन फकीर ने हमें आपके पास भेजा है, उन फकीर की पास साही धर्म पर होगी, धर्म पे वो शासन करेंगे। दई दीन की, उन्हें धर्म की पातशाही दी है परमात्मा ने, जाहिर की ना दिखाई, जाहिर उन्हें शासन नहीं करना है, ना उन्हें राज्य करना है। जो कोई होगा फकीर, और जो संत फकीर होंगे, हक ताला की तरफ है, जिसका परमात्मा की तरफ रुझान होगा, परमात्मा की तरफ लगन होगी जिसकी, सो दुनिया मुर्दार की, सो इस झूठी दुनिया की जो नश्वर चीजें हैं, नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, परिवर्तन होने वाली वस्तुएं हैं, उसकी कामना नहीं करेगा कोई। थूक न काढ़ो हरफ, थूक न काढ़ो हरफ, इस तरह से जिस तरह हम थूक देते हैं फिर हमें कोई मतलब नहीं रहता है, इसी तरह वो इन चीजों की कामना नहीं करेगा। यह बात सुनने के, ये बात सुनकर के शेख सलीमान दहशत भाई दिल में, वो कांपने लगा, उसको भय लगने लगा कि लोग तो ऐसे फकीर के भेजे हुए हैं और सब बात स्पष्ट कर रहे हैं। यह बात बड़ी बुजुर्ग, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, क्या मालूम होए मुझसे, मुझसे क्या मालूम हो पाता इनका काम कि नहीं हो पाता, मैं पत्र वहाँ तक पहुँचा पाता हूँ कि नहीं पहुँचा पाता, अपने आप सोचने लगा। श्री महामति कहे वो मिलो, महाबुद्धि के सागर स्वामी लालदास जी फरमाते हैं कि हे सुंदर चाल जी, याद करो हजरत, हजरत यानी महामति श्री प्राणनाथ जी को याद करिए, जो लड़ाई तुम करी, हे सुंदर चाल जी जो आपने आगे बढ़ बढ़ के धर्म युद्ध में आपने काम किया है, कायम करने क्या मत, कायम करने क्या मत यानी कि आत्म जागृति के समय संसार को अखंड करने के लिए आपने ये धर्म युद्ध में भाग भाग के हिस्सा लिया है। लाल दरवाजे की हवेली में, अब लाल दरवाजा जो दिल्ली में है उस वहाँ एक हवेली लेके सब सुंदर साथ रह रहे थे। श्री राज किया हुकुम, श्री राज ने हुक्म किया शिवजी साहब जी ने, लाल गोवर्धन को कहा, अब लालदास जी को गोवर्धन दास जी को एक काम बताया, जाए मुल्ला से पूछो तुम्हें, तुम मस्जिद में जाकर के मौलवी साहब से उनका ज्ञान पूछ के आओ, क्या कुरान में कहते हैं, कुरान में क्या कहा है, क्या कहते हैं उनके कुरान में, मोहम्मद साहब के कौन से वचनों को बताते हैं, ये जाके आप लोग सुन के आओ। कैसी है मजकूर, कैसी वार्ता करते हैं वो लोग, किन कोई ठहरावत, और किसको ठहराते हैं, ये
ज्ञान कहाँ से आया, कैसे मिला, ये किसको ठहराते हो उस ज्ञान का अधिकारी? सो मुझ आगे करो जहूर। हमें आकर के उनके ज्ञान का प्रकाश हमें बताइए, कैसा ज्ञान बताते हैं वो? इन समय काम करने की, इस समय सबके अंदर लगन थी काम करने की, कि कैसे भी अपना काम बन सके, इसलिए सब कोई काम करने के लिए आगे रहते थे। रच रही सब बात, सबके अंदर ये उलझन थी कि किस तरह से काम हो जाए, यानी हमारा संदेश औरंगजेब बादशाह तक पहुंच जाए, जिससे वो अपनी बात माने। कैसे कर पहचानेगा, कैसे वो अपनी जात को पहचानेगा कि हम परमधाम की सकुमार सखी हैं और ये हमारे साथी हैं सुंदर साहब, कैसे वो पहचानेगा बादशाह अपनी असल जात को कैसे पहुंचाएगा, पहचानेगा? लाल गोवर्धन गए, लालदास जी और गोवर्धन जी मौलवी साहब के पास में गए। एक मुल्ला पास मस्जिद, मस्जिद में एक मौलवी के पास गए, बातें सुनने मुल्ला की और मौलवी साहब की बातें सुनने के लिए आपस में भाई जिद। अब जब मौलवी साहब बातें करने लगे तो लालदास जी तो समझ रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही अरब देश में रहे हैं, पहले उन्हें ज्ञान है, यानी कि उर्दू फारसी और इसका ज्ञान है अरबी का, तो वो समझने लगे उनकी बातों को। और यहाँ गोवर्धन भाई को ये ज्ञान नहीं था अरबी फारसी उर्दू का, तो इनको समझ के परे ये भयभीत हो गए मुसलमानों की बातें सुन करके, मुल्ला के बातन की और मौलवी साहब की बातों की लाल को भाई पहचान। लालदास जी समझ रहे थे, उन्हें पहचान हुई इनके शब्दों की, ये तो हमारे घर की, ये तो हमारे घर की बातें हैं, ये तो परमधाम की बातें हैं। तहकीक भया ईमान, मतलब पक्का हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि ये निश्चित हमारे कुरान में हमारे घर की परमधाम की बातें हैं। गोवर्धन के दिल में और गोवर्धन भाई के दिल में डर रही मुसलमान, मुसलमानों का भय भरा हुआ था, आतंक से भयभीत हो रहे थे वो, औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब का दबदबा था पूरी दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में, जिन कोई सुने कान, जो अगर कोई सुन लेगा कि हम उनकी बातें कर रहे हैं तो हम लोगों को भी मार मार के मुसलमान बनाएगा, ऐसे भयभीत हो रहे थे गोवर्धन भाई। इससे वास्ते झगड़ा भया, इसलिए लालदास जी में और गोवर्धन दास जी में बहस होने लगी। लाल बातें करी मिले जोश, और रास्ते में चले जा रहे हैं लालदास जी जोश में बात कर रहे हैं, टूक टूक हुए इन बात पर, इन बात के टुकड़े टुकड़े होने के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हैं, कि जो बात कह रहे हैं वो हमारे घर की बातें हैं। दुनिया थी फरामोश, दुनिया थी फरामोश, जिनको अज्ञानता थी वो इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे, दो राह में लड़के। लालदास जी और गोवर्धन दास दोनों रास्ते में चले जा रहे हैं बहस करते हुए। आए लाल दरवाजे सोए, जब लाल दरवाजे आ गए राज आलोकने के समय, आप श्री जी साहब जी के आलोकने का समय था, शाम को 4:45 थे, दिन रहा घड़ी दोए, 4:45 थे, दो घड़ी दिन बाकी था, यानी 6 में 45 बाकी थे। ऊंचे अटारी पर, और ऊंचे अटारी पर बैठे थे श्रीजी साहब, बैठे हते श्रीराज, बैठे हते श्रीराज, श्रीजी साहब बैठे थे। गोवर्धन तहां पहुंच के, और गोवर्धन भाई पहुंच करके पहले कही सुनी चर्चा जो आज, अब श्रीजी साहब जी के सामने जब गए गोवर्धन भाई, तो जो भी वहां चर्चा मौलवी